मिस डेविड आसमा मैम हाउ आर यू आई एम हाउ आर यू सर गुड इवनिंग हाउ आर यू कम सिट सिट सो यू डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ यू डिडंट इवन फिनिश योर सेमेस्टर व्हाट हैव यू बीन डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर बहू है मेरी आसमा बहू कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रुमान You married one of my star students only. So what have you been doing with yourself? You're looking so dull, so weak, no spark, no life. What happened, ma'am? Ma'am, tea or coffee? Oh, I would love some coffee, especially if you're making it. Sir, tea or coffee? Some green tea for him, please, Asma. So, Mr. Roman, you were there at the farewell night, no? Remember when I made my speech about boys having a responsibility? You know, every boy has a responsibility. Bhale aapka mother ho, aapka sister ho, aapka daughter ho, aapka behen ho, you should let them find their identity, no? So, maybe you should have encouraged her a little bit. What has she done with herself? No energy, no nothing. And Mrs. Ehtisham, You're such a modern, progressive, successful businesswoman. You should have pushed her, no? To do something with her life. Ho jayega wo sab bhi, Miss David. Nakshon ki baat karein? Oh yes, of course. So, what do you think about the proposal? You think it's a good idea, the new lab? Roman, mera khayal hai pehle phase mein hum sirf ek building pe kaam karenge. Uske liye jitne funds darkaar hain, de do. मैं बिल्कुल बता दूंगी थैंक यू अल्लाह हाफिज रोमान मिसेस डेविड की कॉल आई थी डोनेशन के लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी शुक्रिया तो उनका अदा करना बनता है कल जो कुछ भी उन्होंने बोला किसी की बात का जवाब ही नहीं दिया वैसे कल की जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें तुम दोनों का पॉइंट क्या था मुझे समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रहे हो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वो वहां पर बैठकर इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही थी और तुम एक खामोश बुत की तरह उनके सामने खड़ी थी मतलब अपने हस्बैंड के ऑनर को डिफेंड नहीं कर सकती थी तुम रुमान मुझे खुद अपने आप का होश नहीं था मुझे क्या पता था कि वो बाहर बैठी नहीं है अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारा होश दरअसल मैंने और मेरे घर वालों ने उड़ा दिया क्योंकि तुम तो बहुत प्रोग्रेसिव नेचर की लड़की थी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था तुमने लेकिन मैं तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन गया और तुम्हें इस घर में बंद कर दिया यही पॉइंट है ना तुम्हारा तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो नहीं इल्जाम लगाना हो ना तो बहुत सी बातें हैं मेरे पास लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता वो कर दी तो उसके बाद मैं और तुम आंख से आंख मिला नहीं सकेंगे आसमा मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया रुमान और उन सारी चीजों के बारे में मैं भी बात नहीं करना चाहती क्यों क्यों बात नहीं करना चाहती मैंने मना किया तुम करो बात क्योंकि मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं आसमा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी समझूंगा भी और जो भी प्रॉब्लम होगा ना उसको सॉल्व करूंगा यूं भागूंगा नहीं रुमान ना मैं तुमसे लड़ना चाहती हूं और ना मैं बहस करना चाहती हूं तुम्हें स्पेस चाहिए ना तो साफ साफ बोलो छोड़ आओ मुझे मेरे घर